Scopra meaning anyone? Scopra means Consumer Protection Act. Consumer Protection Act means हेल्पिंग कंज्यूमर अगर आप लोग के साथ किसी भी तरह का गलत चीज होती है सपोज प्रोविज किया गया कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट या ये वाला मटेरियल या ये वाला फूड इस क्वालिटी का है और उसके बाद आपने जब उसको यूज किया तो इट वॉज वो बैड क्वालिटी जो प्रोमिस किया गया था वो नहीं हुआ देन यू कैन फाइल ए केस अगेंस्ट दैट कंपनी और द सेलर दैट इज ओवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग से ज्यादा कुछ रिलेटेड है नहीं अंटिल एंड अनलेस कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होता है आप लोग के ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस मीन आप लोगों को कोई ट्रीटमेंट पेशेंट को करना था कुछ गलत हो गया दैट ड्यू टू दैट रीजन पेशेंट का नुकसान हो गया मे बी हेल्थ ज्यादा डिटेरियोरेट हो गई डेथ हो गई कोई ऑपरेशन किया तो लिम्ब काम करना बंद कर दिया ठीक है उस कंडीशन में क्या आपको हेल्प हो सकती है कि भैया मैंने एक्स वाई जेड कंपनी से फलाना इंस्ट्रूमेंट खरीदा था अब उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी मुझे उस तरह की नहीं मिली जिस रीजन से पेशेंट को नुकसान हो गया ठीक है ओवरऑल ये आप लोग के एज बीइंग डॉक्टर्स इन फ्यूचर यूज आ सकता है ओवरऑल फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल लोगों की उसमें देखा जाए सपोज लैंडकार्ड कंपनी है फॉर एग्जांपल आपने पैक्स लिए उनसे ठीक है उन्होंने क्या किया कि मेन हेड ऑफिस में भेजने के बजाय लोकल वेंडर से ग्लासेस बनवाए और आपको दे दिए आपको पता लगा या आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी आप बट यू कैन डू आइदर कंपनी को पहले बोलो कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ है इफ दे विल रिस्पोंड देन ओके रिस्पोंड नहीं करते तो व्हाट यू कैन डू यू कैन फाइल अ केस ऑनलाइन होता है सिर्फ रिपोर्ट लिखनी होती है बाकी सारा काम कंज्यूमर जो भी ग्रीवेंसेस वाला है जो भी है वो लोग अपने आप देखते हैं आपसे सिर्फ रिपोर्ट लेंगे या बिल दिखाइए मटेरियल जो लिया है वो दिखाइए ठीक है ओवरऑल तीन पार्ट में डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे तो अगर आपका कंपेंसेशन 10 लाख से बिलो है ठीक है आप कंपेंसेशन बोल रहे हो भैया मेरा इतना नुकसान हुआ इतना पेमेंट करना पड़ेगा देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप टू 25 लाख फिर 25 से लेके 1 CR तक का अगर कोई कंपेंसेशन दिए देन स्टेट लेवल पे जाता है मोर देन 1 CR दैट इज ऑन नेशनल लेवल ये ओवरऑल आप लोग का ये टॉपिक रहता है इन फॉरेंसिक मेडिसिन थोड़ा सा पढ़ भी लेना अगर एग्जाम में आता है तो बहुत रेयर होता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि इसलिए वी आर नॉट कवरिंग दैट थिंग ठीक है बुक में भी हार्डली 2 या 3 पेज में आपको कवर हो जाएगा टुडे वी विल डिस्कस सेक्सुअल ज्यूरिसप्रूडेंस ज्यूरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंस मीन्स नॉलेज तो लॉ की नॉलेज बिकॉज एज बीइंग एमबीबीएस या एमबी जब आप लोग करोगे आप लोग के कुछ केसेस इस टाइप के आएंगे जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया एक्स वाई जेड फीमेल के साथ रेप हुआ है कि नहीं या किसी ने उसके साथ कोई फिजिकल हरेसमेंट किया है कि नहीं तो वो सब चीजें आप लोग को आना चाहिए एज बीइंग एमबी एमडी मेडिसिन एज बीइंग एमडी गायनेक और एज बीइंग रेडियोलॉजिस्ट एटलीस्ट ये तीन तो कवर होते ही होते हैं बाकी अगर फॉर एग्जाम्पल तो में से 80 कितने बच्चे एमडी करते होंगे आप लोग को क्या लगता है अप्रोक्सीमेट 30% या 40% है ना बाकी 70% क्या रह जाते हैं है ना एमएससी एमबीबीएस ठीक है इतना ही है लगभग सिनेरियो यहाँ कितनी सीट है फॉर एग्जांपल 250 बच्चों में कितनी सीट होंगी एमडी की एमडी मेडिसिन में सपोज 30 है गायनेक में सपोज 30 और मिला के 200 सीट होंगी That too, ये बड़ा कॉलेज है छोटे कॉलेज में तो 3 से 4 फीस इतना ही सीटें होती है क्लियर तो ओवरऑल चलो 50% भी लेते हैं बट 50% विल रिमेन एमबीबीएस दे विल वर्क एज एमओस मेडिकल ऑफिसर या तो अपने स्टेट में सिटी में वहां चले जाएंगे कहीं गवर्नमेंट में हो जाएंगे क्योंकि एमडी करने के लिए क्या चाहिए होते हैं गवर्नमेंट क्या देती है अपने यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट थोड़ा सा कोटा देती है 30% तो वो 30% गेन करने के लिए क्या करते हैं वो लोग रूरल में आप लोग को ट्रांसफर कर देंगे वहाँ 1 MBBS या 2 MBBS पूरा वो हॉस्पिटल संभालेंगे उसमें आपको ओपीडी भी करनी है आईपीडी भी करनी है छोटे मोटे ऑपरेशन अगर लगते हैं मे भी ठीक है या फिर रेफर करने पड़ते हैं पोस्टमार्टम आप लोग को करने होते हैं जितने भी MNC केसेस मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट वाले केसेस वो भी आप लोग को करने होंगे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हर चीज का होना चाहिए बाद में ऐसा नहीं हो कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपको पता ही नहीं है गूगल में कुछ नहीं मिलने वाला
आना सब कुछ चाहिए, तो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि सेक्टर जुरिसप्रूडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है अपने लिए। टॉपिक बड़ा है, छोटा छोटा करके नेक्स्ट टाइम उसके नेक्स्ट टाइम में कवर कर लेंगे। तो टुडे सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या होते हैं, रेप, रेप की डेफिनेशन क्या होती है एंड पनिशमेंट फॉर द रेप इन इंडिया, क्या क्या चीजें कवर होंगी, व्हाट आर सेक्सुअल ऑफेंसेस, डेफिनेशन वगैरह, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ टू एग्जामिन द विक्टिम एंड एक्यूज ऑफ अलेज्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस। अलेज्ड का मीनिंग अभी कंफर्म नहीं है कि इसने किया है या नहीं किया है, या इसके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज 80% ऑफ केसेस इन इंडिया फेक होते हैं, बिकॉज गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से लड़ाई झगड़ा हो गया, पहला रीजन केस कर दूंगी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, फैमिली मेंबर नहीं माने, तो फैमिली मेंबर के प्रेशर के रीजन से फीमेल ने मेल के ऊपर केस कर दिया। 80 to 90% फेक होते हैं, बट स्टिल आप लोग के पास तो आएंगे, आपको तो कंफर्म करना ही पड़ेगा कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, सेकंड थिंग रेप किया है या नहीं किया है, क्लियर। तो दैट इज व्हाई द वर्ड इज केयर इज अलेज्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो एग्जामिन विक्टिम का भी करना है, विक्टिम मीन्स जिसके साथ हुआ है, एक्यूज मीन्स जिसने किया है, क्लियर। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ रेप एंड पनिशमेंट फॉर द सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये केसेस वगैरह कुछ हुए थे ये तो छोड़ देते हैं। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस होता क्या है, डिफाइंड एज सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्स रिलेटेड एक्ट परफॉर्म्ड इन अ वे व्हिच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, कुछ कंट्रीज में कुछ चीजें अलाउड होती है, कुछ कंट्रीज में कुछ चीजें अलाउड नहीं होती है, क्लियर। तो एज पर द लॉ वी हैव टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में क्या हुआ है सिनेरियो। अ स्टैट्यूटरी ऑफेंस दैट प्रोवाइड्स दैट इट इज अ क्राइम टू नोइंगली कॉज अनदर पर्सन टू एंगेज इन एन अनवांटेड सेक्सुअल एक्ट बाय फोर्स ऑफ थ्रेट। कि आपने किसी फीमेल को बाय फोर्स, बाय थ्रेट, बाय एनी थर्ड रीजन अगर फोर्सफुली विदाउट कंसेंट, विदाउट विल अगर किसी भी टाइप का सेक्सुअल एक्ट करते हो, दैट विल गो अंडर सेक्सुअल ऑफेंस। यहाँ तक क्लियर है कि सबको, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक होता है नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, पैराफिलिया एंड अदर सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस। तो ओवरऑल फोर पार्ट में डिवाइड किया, बुक्स में सब कुछ दे रखा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस में जिसमें नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, नेचुरल में मीन्स रेप, नेचुरल मीन्स मेल एंड फीमेल, अडल्ट्री एंड इंसेस्ट, वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। नेक्स्ट इज अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, फॉर एग्जाम्पल सोडोमी, लेस्बियनिज्म, बेस्टियलिटी, बकल कोइटस और भी बहुत सारे 8, 10, 11, 12 पॉइंट हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल डेविएशन या परवर्जन। ये आप लोग के जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाले हैं, ये ज्यादातर आप लोग के वाइवा में पूछे जाते हैं सवाल या फिर एमसीक्यूज के अंदर। नेक्स्ट इज फेटिशिज्म, ट्रांसवेस्टिज्म, सैडिज्म एंड पीडोफिलिया। परवर्जन मीन्स नॉर्मल आदमी की तरह नहीं सोचते वो लोग, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस, फॉर एग्जाम्पल इनडिसेंट असोल्ट, ऑफेंसेज अंडर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेज में 3 या 4 चीजें हैं, रेप, इंटरकोर्स ड्यूरिंग सेपरेशन, अडल्ट्री एंड इंसेस्ट, क्लियर। अब इसमें एमसीक्यू क्या हो सकता है, एक पॉइंट हटा दिया, कोई दूसरा पॉइंट एड ऑन कर दिया, तो दैट विल बी एन एमसीक्यू। अनैचुरल में वी हैव डिस्कस्ड सेक्सुअल परवर्जन, सो परसिस्टेंटली इंडल्ज सेक्सुअल एक्ट और फैंटेसीज इन विच कंप्लीट सेटिस्फेक्शन इज साउट और ऑब्टेन विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। फीमेल के कपड़े देख के, ब्लू फिल्म देख के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आर कमिंग अंडर सेक्सुअल परवर्जन, मीन अ पर्सन इज नॉट नॉर्मल इन हिज फैकल्टीज, इन हिज थॉट्स। तो सेक्सुअल परवर्जन काउंट होता है। सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस लाइक अनलॉफुल, लाइक सैडिज्म, मैजोसिज्म। सैडिज्म का मतलब होता है किसी सामने वाले को पेन देके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन करना। ये सारी चीजें वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आप लोग के थ्योरी में 80 to 90% चांसेस रहते हैं कि रेप के बारे में पूछा जाता है। सेकेंड चीज, आप लोग के जब ये प्रैक्टिकल होते हैं उसके अंदर भी विक्टिम या एक्यूज का सेक्सुअल
एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं, वो पूरा प्रोफॉर्मा होता है, वो आपको रट्टा लगा के लिखना होता है, हर एग्जाम में आता है। एग्जाम में प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें आएंगे आप लोग के, बोन दे दी जाएगी, बोन से आपको सेक्स आइडेंटिफाई करना है, एक्सरे दे दी जाएगी उससे आपको एज आइडेंटिफाई करना है, एक प्रोफॉर्मा इस तरह का रहेगा जिसमें आपको आइदर विक्टिम और आइदर एक्यूज का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। फोर्थ वन इज अल्कोहल, इसमें अल्कोहल लिया है नहीं लिया है, कितना लिया है क्या लिया है उसका एग्जामिनेशन होता है। एंड लास्ट एक पोस्टमार्टम रहता है, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ इज डेथ एंड इट्स कॉज, डेथ हो गई है तो अपने को उसके डेथ के कॉज बताने हैं किस रीजन से डेथ हुई है। ये हर डॉक्टर को करना पड़ता है, चाहे आप एनेस्थेटिस्ट बन जाओ, चाहे आप रेडियोलॉजिस्ट बन जाओ या जो भी, जब भी आपके पास पेशेंट आएगा डेथ हो गई है जिस भी रीजन से, तो अपने को डेथ का सर्टिफिकेट बनाना होता है, वो डॉक्टर ही बनाएगा जो ट्रीट कर रहा है, तो यह किसी को आना चाहिए किस तरह से उसको बनाते हैं। सो रेप इज अ लीगल डेफिनेशन नॉट मेडिकल, ठीक है। तो जो रेप वर्ड है वो कोर्ट के अंदर यूज किया जाता है, अपने पास आएगा तो अपन ऐसा नहीं लिखेंगे कि इसके साथ रेप हुआ है, बिकॉज रेप हुआ है नहीं हुआ है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ की टर्म है, सेकंड कोर्ट डिसाइड करता है, तो अपन क्या बोलेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लियर। तो जब भी प्रोफॉर्मा बनाना है विल नेवर राइट कि रेप हैपेंड और नॉट, यू ओनली से इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो ये सारे रीजन है, नहीं हुआ है तो ये सारे रीजन है, बिकॉज वी हैव टू जस्टिफाई ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, सपोज रेप नहीं पूछा, सिंपल लिख दिया डिफाइन सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, तो आपको क्या पता है रेप के बारे में, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए रहता है। मेजर अमेंडमेंट 2013 में हुए थे, उसके बाद कुछ 18 में भी हुए हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन जो भी होगा आगे। ओल्ड डेफिनेशन क्या है, ओल्ड की जरूरत है क्या, नेक्स्ट चीजें भी जाते हैं पहले ओल्ड ले। अ मैन इज सेट टू कमिट रेप, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में सिर्फ फीमेल के ऊपर ही रेप माना जाता है, बाहर भी होता है क्या सब, तो ओनली फीमेल के ऊपर ही, तो मैन नहीं कर सकता एज पर इंडियन लॉ। अ मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, अगेंस्ट द विल, इच्छा नहीं थी, सेकेंड विदाउट हर कंसेंट, उसने अपना कंसेंट नहीं दिया कि भैया मुझे करना है या नहीं करना है, नेक्स्ट अगर उसने कंसेंट दिया है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, फियर ऑफ डेथ और हर्ट, तेरे को मार दूंगा या तेरे साथ में फैमिली मेंबर उसको मार दूंगा या ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, मीट उसे कंसेंट दिया लेकिन उसको डरा धमका के, इम्पर्सोनेशन नॉट हर हस्बैंड, उसको पता ही नहीं था कि वो हस्बैंड है कि नहीं है, इस सिनेरियो में हो सकता है नहीं ले चाहते हुए क्या होता है घूंघट उठाना डालना है ना, पुराने टाइम में ज्यादा होता था। सेकेंड क्या हो सकता है रीजन कि कुछ मेडिटेशन दे दिया उसके बाद शी वॉज नॉट इन नॉर्मल फैकल्टीज, ये ब्रेन उसने प्रॉपरली वर्क नहीं करा था, उसे लगा हर हस्बैंड, अल्कोहल वगैरह देके भी हो जाता है। नेक्स्ट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये जो फीमेल थी वो प्रॉपर नॉर्मल पर्सन नहीं थी, थोड़ा सा उसके अंदर मेंटल चेंजेस थे। इंटॉक्सिकेशन विद हेल्प ऑफ मेडिसिन, जैसे कि रेप पार्टी ड्रग्स वगैरह में हो जाता है, ठीक है। फोर्थ विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 इयर्स ऑफ एज, उसने अपना विल भी दे दिया, उसने अपना कंसेंट भी दे दिया, बट शी इज बिलो 16 इयर्स, तो वो हमेशा इनवैलिड माना जाएगा, किसी भी टाइप का सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कंसिडर्ड एज रेप, ठीक है। 18 या अबव है तो कंसेंट दिया है या नहीं दिया हो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट 16 या उससे नीचे है तो चाहे कंसेंट है चाहे विल है या किसी भी रीजन से दैट इज 100% कंसिडर्ड एज रेप, यहां तक क्लियर है। इसमें चेंजेस क्या हुए थे, द इंट्रोडक्शन बाय अ मैन ऑफ हिज पेनिस इनटू द वजाइना व्हिच शैल इंक्लूड द लेबिया मेजोरा द एनस द यूरेथ्रा द माउथ ऑफ एनी वुमेन और द चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज रेप, पुरानी डेफिनेशन में क्या था, ये जो कोलम के अंदर दिया हुआ टू एनी एक्सटेंट, पहले क्या होता था कि पेनिस का इंट्रोडक्शन वाज मस्ट इनटू द वजाइना, पहली चीज। दूसरा जब गायनेक ट्रीटमेंट गायनेकल एग्जामिन करती थी तो टू फिंगर टेस्ट वन फिंगर टेस्ट करके देखते थे ओवरऑल, अभी क्या सिनेरियो है नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इवन इफ ही हैज टच्ड हिज पेनिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा एंड वजाइना एंड सो ऑन ओवरऑल दैट इज कंसिडर्ड एज रेप, उसमें पेनिट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो ये दैट इज अमेंडेड इन 2013। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन टू एनी एक्सटेंट बाय अ मैन द ऑब्जेक्ट और द पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी मेन रूल
फिंगर एंड एनी अदर वन, ठीक है. इवन इफ टचिंग हैपेंस, इवन इफ टच्ड अगेन, दैट इज कंसीडर्ड एज रेप. ध्यान में रखना भैया, बहुत ये वाली जो एज होती है ना, बहुत ऊपर नीचे वाली होती है, सो बी केयरफुल. पूरा करियर फिनिश. द इंट्रोडक्शन टू एनी एक्शन बाई ए पर्सन ऑफ, अच्छा आप लोग के जब ये पूछा जाएगा रेप की डेफिनेशन, जितने पॉइंट है ना सब बताने होंगे. ऐसा नहीं कि मैंने दो पॉइंट ऊपर के लिख दिए सर, डेफिनेशन होगी दो लाइन की. ओवरऑल ये चार पांच छह पैराग्राफ की डेफिनेशन है. सो द इंट्रोडक्शन टू एनी एक्शन बाई ए पर्सन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन पेनिस इन टू द वजाइना विच शेल टर्म इंक्लूड द लेबिया मेजोरा एनस और यूरिथ्रा ऑफ ए चाइल्ड. तो चाइल्ड में जो 16 या नीचे है, ओवरऑल दैट इज अगेन कंसिडर्ड विल बी रेप. मैनिपुलेटिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड so as to cause penetration in the vagina, which term shall include labia minora and majora. Overall, that was for adult also, that is for child also. You are playing with the child, ठीक है, और गलती, not गलती से, but if you have done such kind of thing, again it will be considered as rape. So penis, any object, or any part of the body. Clear? Next, against the will, इच्छा नहीं थी, but आपने फोर्सफुली कर दिया, अगेन दैट इज रेप विदाउट हर कंसेंट. आपको कंसेंट नहीं दिया कि मुझे नहीं करना है, ठीक है, दैट इज अगेन कंसीडर्ड एज रेप. व्हेन हर कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर, ये अपन ने पढ़ी है, फियर ऑफ डेथ और हर्ट विद हर कंसेंट व्हेन शी नोज दैट इट इज नॉट हर हस्बैंड और अनलॉफुल मैरिज वगैरह, ठीक है. ओवरऑल ये लास्ट टाइम अपन देख चुके हैं. विद हर कंसेंट व्हेन शी वाज अनसाउंड माइंड या इंटॉक्सिकेटेड या अल्कोहल ले रखा था या कोई ड्रग उसको दिया गया था, इवन इन सच कंडीशन दैट इज कंसीडर्ड एज रेप. कौन सी मूवी आई थी ये, कभी तीन चार चार पाँच छह सात साल पहले, नो मींस नो आई थी ना मूवी, तो नो मींस नो दैट वाज द मेन रीजन की बताने के लिए. तो पनिशमेंट, तो डेफिनेशन ऑफ रेप इज गिवन अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी. आईपीसी फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट. तीन चीजें, तीन शॉर्ट फॉर्म याद रखनी हमेशा. नेक्स्ट इज पनिशमेंट, जो पनिशमेंट ऑफ रेप है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 376 ऑफ ICC. तो अब क्वेश्चन पूछा गया इलेबोरेट या डिफाइन 375, तो यू हैव टू टेल ओनली डेफिनेशन, जो दो तीन स्लाइड थी या चार पांच पैराग्राफ थी. 376 अगर पूछते हैं तो यू कैन गिव ये वाला, इसमें पनिशमेंट है. और सपोज क्वेश्चन आया 20 मार्क्स का और सिर्फ लिखा 375, देन 375 भी डालना है, 60 डालना है, बिकॉज 20 मार्क्स कवर करने के लिए डेफिनेशन के चार पैराग्राफ आर नॉट सफिशियंट. क्लियर? 5 मार्क्स का है या मैथ्स टू मैथ्स 10 मार्क्स का है तो डेफिनेशन इज मोर देन सफिशियंट फॉर मैथ्स. तो पनिशमेंट में 7 to 10 ईयर, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है 2018 के बाद से, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी कर दिया है. इफ विद वाइफ देन 2 to 7 ईयर. अब वाइफ के साथ रेप कैसे माना जाएगा? कंसेंट, बिकॉज कंसेंट नहीं थी, वाइफ जाके बोलते मैंने कंसेंट नहीं दी, हाउ ही कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग. तो अगेन कितने साल की सजा है, ठीक है. नेक्स्ट इज कस्टोडियल रेप. कस्टडी के अंदर रेप हो गया, पुलिस कस्टडी में था, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया अपनी जूनियर के साथ, जेल के अंदर वार्डन ने कर दिया फीमेल के साथ, हॉस्पिटल में आपके अंडर में कोई पेशेंट एडमिट था, एक्सवाइजर किसी ने भी किया हुआ, एलिगेशन डॉक्टर के ऊपर भी जाएगा. ऐसा नहीं कि उसको रेप करके वो लगेगा, बट डिफेमेशन तो हो जाता है ना. डिफेमेशन, आपका नाम ही नहीं है तो आपका कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास कोई नहीं आता अगर डिफेम हो गया तो. एक बार ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन एंड गैंगरेप. गैंगरेप मीन मोर देन वन. सबकी पनिशमेंट अलग अलग रहती है. तो फर्स्ट इज 376 ए के अंदर क्या होगा, या तो फीमेल की डेथ हो गई या फीमेल की वेंट इनटू वेजिटेटिव स्टेट. अब इसके एग्जांपल मैं देता हूँ, अपन ने स्टार्टिंग में जो स्लाइड देखी थी, ये केस बहुत लोगों ने सुना होगा. 23 ईयर ओल्ड फीमेल फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी, अपने बॉयफ्रेंड या फ्रेंड के साथ बस में जा रही थी, दिल्ली का इंसिडेंट है, ठीक है. 5-6 लोग थे, बाकी कोई भी नहीं था. उन्होंने क्या किया, दे हैव डन रेप, हो गया रेप. उसके बाद क्या, वहाँ पे काफी बड़ी उनके पास रोड वगैरह कुछ थी, इंट्रोड्यूस इनटू वजाइना, ब्लीडिंग अकर्ड एंड एक्वायर्ड
तो वो वाला केस दैट वी गो इनटू 376 ए, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी पांचों को, वो किस बेसिस पे मिलेगी 376 ए, जिसके अंदर क्या क्या पनिशमेंट है, रेगुलर इंप्रिजनमेंट है या 20 साल की सजा है या जो भी है वो अपन आगे देखेंगे। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि कौन से ए बी सी डी किस पार्ट में उसको पनिशमेंट मिलने वाला है। तो 376 ए दैट इज पर्सन कमिटिंग रेप इनफ्लिक्ट इंजरीज ऑन द वुमेन विच कॉजेज आइदर डेथ और लीड्स टू परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट मालूम होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोमा। नेक्स्ट रिगरस, अब इसकी पनिशमेंट कितनी है, रिगरस इंप्रिजनमेंट। रिगरस इंप्रिजनमेंट क्या होता है, वहां पे काम भी करवाएंगे, लोनलीनेस भी डाल दिया जाता है, अंधेरे में भी डाल दिया जाता है, काम भी करवाया जाता है और एक्सपर्ट जो भी रीजन होते हैं, और मोर देन और इक्वल टू 20 इयर्स विच में एक्सटेंड टू रिमेंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ विद डेथ। 20 साल तो मिनिमम रहेगा, 20 साल में डेथ होगी तो वैसे भाई खेल गया ना, तो मिनिमम पनिशमेंट भी 20 इयर्स। अगर फीमेल के साथ रेप हुआ प्लस उसके साथ कुछ डेथ या कुछ भी हो जाता है, 20 साल की सजा। क्लियर? एक 5 मिनट का इंसिडेंट कैन क्लोज व्हेन इज अलाइव ऑफ दैट पर्सन एज वेल एज फैमिली। नेक्स्ट इज बी, 376 बी। तो इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन विदाउट हर कंसेंट, सो इंप्रिजनमेंट 2 to 7 years। अब सेपरेशन मीन्स दे आर इन डिवोर्स फेज, है ना, उस दौरान उसमें मे बी लिविंग टूगेदर बट इन डिवोर्स फेज, मे बी लिविंग सेपरेटली बट इन डिवोर्स फेज, जो 4 महीने 3 महीने का जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें, इफ ही हैज कमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट देन द फीमेल कैन फाइल द केस। तो इंप्रिजनमेंट कितना रहेगा, 2 से 7 साल। अब दोनों में फर्क आया, देखो इसमें कितनी इंप्रिजनमेंट थी, 20 साल, इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम 20 साल एक ही जगह, एंड दैट इज 2 to 7 years। नेक्स्ट इज सी, 376 सी। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप बाई ए मैन ऑफ अथॉरिटी और अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मीन टू से पब्लिक, आपके अंडर में कोई पर्सन है, अंडर में मीन डॉक्टर है तो नर्सिंग स्टाफ के साथ हो गया, पुलिस वाला है तो लोअर फीमेल कॉन्स्टेबल के साथ हो गया, फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाला है तो आपकी कस्टडी में कोई फीमेल उसके साथ हो गया, साइकेट्रिक डॉक्टर हो साइकेट्रिक पेशेंट जो आपके अंडर पेशेंट है उसके साथ हो गया, ठीक है, तो एक्स वाई जेड जो भी है आपके अंडर में है, तो दैट विल बी रिग्रस इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 to 10 years एंड फाइन। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सजाएं फिक्स है। पहले सजाएं मिलती थी कितनी, 7 से 10 साल की ओवरऑल सजा मिलती थी, ये पुराना है। अभी क्या है, हर केस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट अलग अलग है आफ्टर 2013 जो अमेंडमेंट हुए थे। नेक्स्ट इज डी, डी फॉर जिसमें गैंगरेप। तो रिगरस इंप्रिजनमेंट कितना पनिशमेंट है, मोर देन और इक्वल टू 20 इयर्स, बट वो डिपेंड करता है कि जज कितना देता है, 25 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है, विच में एक्सटेंड टू रिमाइंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ अलोंग विद फाइन पेड टू द विक्टिम फॉर मेडिकल एक्सपेंसिस एंड रिहेबिलिटेशन। मेडिकल एक्सपेंसिस किस किस चीज के, सपोज शी बिकेम प्रेग्नेंट, दूसरा उसको कोई चोटें आई, ठीक है, एंड रिहेबिलिटेशन मीन्स फैमिली मेंबर्स के साथ रहना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो उनको अलग जगह रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट, उनको साइकेट्रिक चीजें नॉर्मल हो जाए, वो सारे एक्सपेंसेस गूगल पे द विक्टिम और हिज फैमिली। क्लियर? लास्ट इज ई, रिपीटेड ऑफेंडर, एक बार किया है दोबारा कर दिया, ठीक है, तो ये पुराने टाइम में क्या होता था, जो पुरानी पनिशमेंट थी, जिस हाथ साल सजा काट के आ गया बाहर आ गया भाई ने फिर से कर दिया, है ना, अभी क्या है पनिशमेंट ही 20 साल प्लस है। क्लियर? बट स्टिल होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, तो इम्प्रिजनमेंट और रिमाइंडर ऑफ हिज नेचुरल लाइफ विद डेथ, इसमें कोई 10-20 साल नहीं, जितने साल जिएगा जेल में रहेगा। ए बी सी डी ई, ए में क्या था, डेथ और वेजिटेटिव स्टेट, बी मीन वाइफ, डी मीन बीवी, याद रहेगा ना, सी मीन तो सी मीन चीफ, याद रहेगा सी से, डी मीन कैंग्रे एंड ई मीन रिपीटेड, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको, पनिशमेंट याद कर लेना एग्जाम में आती आती आप लोग का जब होगा, तो ऑल द ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल
एंड नॉन पेलेबल एक्सेप्ट 76B बिकॉज बीवी के साथ हुआ था देन वो ही कदर विच इज कॉग्निजेबल बट पेलेबल ओनली ऑन द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम. मीन टू से किसी के ऊपर रेप का केस लगा है तो ऐसा नहीं होगा कि पुलिस एफआईआर हुई और पुलिस वाले जज के पास जा रहे हैं, जज छुट्टी पे है, जज मंडे को आएगा कि सैटरडे फ्राइडे को सैटरडे को फाइल हुआ है तो हम वेट करेंगे कि जज साहब आएंगे साइन करके देंगे कि भैया उसको उठा लो. मीन टू से जैसे एफआईआर होगी क्विक एक्शन लेना होगा जिसके अगेंस्ट ये उसको उठाना है उसको जेल में डालना है लेकिन बेल किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी. क्लियर? सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. क्लियर? कॉग्निजेबल मीन जैसे एफआईआर हुई उसको उठा लो, नॉन बेलेबल मीन किसी भी रीजन से उसको छोड़ नहीं सकते बेल नहीं मिलेगी. क्लियर? दोनों क्लियर होंगे? द क्रिमिनल अब जैसे सपोज किसी ने चोरी बता रही है तो उसमें बेल हो सकती है. ठीक है, तो बेलेबल नॉन बेलेबल का ये फर्क आता है. द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 में क्या हुआ, मिनिमम पनिशमेंट हो गई 10 साल की एंड डेथ पेनल्टी इन दोज कन्विक्ट टू रेपिंग चिल्ड्रन बिलो 12 इयर्स. तो जिसको 12 साल से छोटे बच्चे का बच्ची का अगर रेप होता है तो डायरेक्ट डेथ पेनल्टी का लटका दिया जाएगा. ये चेंजेस हुए 2018 में. 2013 वाले में डेथ पेनल्टी नहीं थी, फांसी नहीं लगाई जा रही थी, इसमें लगाई जा रही है. मिनिमम कितना हो गया 10 साल की पनिशमेंट किसी भी रीजन से, तो वो 2013 का था, दिस इज 2018. उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हुए. द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जिसमें 376(1) में रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर, जो वन वाला पॉइंट है ये छोड़ सकते हैं आप लोग के लेवल का नहीं है. तो जो पिछले वाले स्लाइड था वहां तक का सफिशियंट है आप लोग के एजिंग एमबीबीएस के लेवल के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रेप. ये वाइवा में पूछते हैं विद कंसेंट इफ एज ऑफ द गर्ल इज लेस देन 18 ईयर, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी दिया गया है स्टैट्यूटरी रेप. जो डॉक्यूमेंटेशन जब करेंगे आप लोग नहीं कोर्ट वगैरह उसमें जब भी पढ़ा जाएगा सिंपल रेप नहीं पढ़ा जाएगा स्टैट्यूटरी रेप. उसका मीनिंग ये होगा कि 18 से नीचे ईयर के साथ रेप हुआ है, दैट इज द ओनली थिंग. मैरिटल रेप लिविंग सेपरेटली एंड विदाउट हर कंसेंट. ठीक है, रेप बाई ए वुमेन is not recognized in our country. Section 327, the inquiry into the trial of rape. तो जो भी inquiry वगैरह होती है, because ये कई बार क्या होता है कि defamation हो जाता है female का भी कि मेरे उसकी XYZ female के साथ rape हो गया, community में लोग बातें करने लग जाते हैं. उस केसेस में क्या होता है, जब भी court chamber में ये सुनवाई होगी या ये court चलेगा क्लोज रूम में होगा, लिमिटेड लोग होंगे जो वहाँ पे मौजूद रहने की परमिशन, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन रह सकता है या कौन नहीं रह सकता. सो दैट फीमेल की डिग्निटी मेंटेन रहे, बाहर ओवरऑल फैले नहीं. तो जब भी आप लोग देखते हैं तो उसमें बहुत देर है न्यूज पेपर में भाई हो दोनों में खड़े हो जाओ स्टैंड अप स्टैंड अप खड़ा हो जाओ भाई. हाँ क्या हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा था तुम्हारे साथ, कुछ हो गया था कुछ हो गया होगा ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा ना इस चीज का सामान लेकर. जिसको पढ़ना नहीं है ना पहले से अटेंडेंस ले लिया करो चले जाया करो, बीच में डिस्टर्ब करोगे ना तो ना अटेंडेंस मिलने वाली ना कुछ और होने वाला. जाओ लॉक तो खोल दे, चलो यहाँ से चलना है. तो 327 में इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी सो दैट डिफेमेशन ऑफ दैट फीमेल विल नॉट हैपन, विल नॉट अकर इन कम्युनिटी, ओवरऑल कम्युनिटी. यहाँ से चलना है 375 क्या था रेप डेफिनेशन, 376 क्या था पनिशमेंट, 327 इन कैमरा ट्रायल. इन कैमरा मीन क्लोज एनक्लोज एरिया में, कोर्ट की एरिया में जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोग ही रहते हैं. एज ऑफ द एक्यूज नो एज लिमिट, इंडिया में किसी भी एज का पर्सन के ऊपर रेप का केस लग सकता है. अब ऐसा हम बोलना कि 2 साल का लड़का है ना, बट जो भी है. बर्डन ऑफ प्रूफ एज पर सेक्शन 114 ये छोड़ सकते हो आप लोग कि कौन प्रूफ देगा कि इसने केस मतलब
रेप हुआ है या नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, ये आप लोग का काम रहने वाला है, जिंदगी भर रहने वाला है। एमबीबीएस रह जाओ तो गायनेक कर लो, चाहे मेडिसिन कर लो, या किसी पार्टिकुलर आपका खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल हो अगर आपके पास केस आता है। वैसे बहुत रेयर होता है कि रेप के केसेस प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, 99% या even 100% गवर्नमेंट में ही जाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि उस एरिया में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नहीं तो प्राइवेट के ऊपर ये काम आ जाता है। आना सब कुछ ये हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो एग्जामिनेशन में क्या क्या आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवेयर कंसेंट इज अ मस्ट। पुलिस वाले लेके आ रहे हैं या कोई भी लेके आ रहा है, आपको कंसेंट लेनी नहीं पड़ेगी। कंसेंट रिटर्न होनी चाहिए कि भैया जो मतलब जो भी प्रोफॉर्मा है उसमें प्रॉपरली कि भी आपने उसको समझा दिया कि आप रेप का आप बता रहे कि मेरे साथ रेप हुआ है, ये बाहर अगर पब्लिक में किसी भी रीजन से डिस्क्लोज हो जाए या डिस्क्लोज नहीं भी होता है आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन टू दैट पर्टिकुलर सीनियर। ठीक है, नेक्स्ट इज हिस्ट्री, आपको प्रॉपर हिस्ट्री उससे लेनी है, उसके क्लोज एग्जामिन करने हैं। जनरल एग्जामिनेशन होता है, जनरल मीन्स ओवरऑल बॉडी, लोकल एग्जामिनेशन मीन्स प्राइवेट पार्ट। सैंपल टू बी कलेक्टेड, सारे सैंपल कलेक्ट करने, 8 से 10 सैंपल होते जो आपको कलेक्ट करने, 80 होती पूरी, और उसके बाद ओपिनियन आप लोगों को देना होगा। ओपिनियन में ऐसा नहीं देना है कि रेप ऑफर्ड, आपको बताना इंटरकोर्स ऑफर्ड और नॉट ऑफर्ड, दैट्स इट, क्लियर। एंड उसमें भी क्या देना है, रिसेंट हुआ है या नहीं हुआ है। रिसेंट में क्या रीजन हो सकता है, फोर्सफुल होगा, रिसेंट होगा तो क्या चांसेस रह सकते हैं, इंटरनल इंजरीज होने के, माइनर एब्रेशन, माइनर कंफ्यूजन, है ना। और सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट, अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है, एनी एविडेंस ऑफ रिसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्योंकि एक सपोज 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, जो शादी 10 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब उनका वजाइनल जो वो है, क्या बोलते हैं इसका, ओरिफिस वाला एरिया, दैट इज प्रोड, या बच्चा पैदा हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में डिफाइन करना मुश्किल होता है। बट अगर रिसेंट हुआ है, फोर्सफुल हुआ है, तो चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि कोई ना कोई माइनर इंजरीज आ गई है विद द हेल्प ऑफ रेन एंड अदर थिंग। उसके बाद इंजरीज ऑन द बॉडी सजेस्टिव ऑफ वायलेंस एंड स्ट्रगल। वायलेंस एंड स्ट्रगल कहाँ कहाँ हो सकता है, नॉट ऑन योर प्राइवेट पार्ट। फीमेल क्या करेगी, शी विल हेल्प हरसेल्फ विद हेल्प ऑफ नेल्स फिंगर्स जो भी है, ठीक है। सच काइंड ऑफ इंजरी, क्या अगर फोर्सफुल होता है तो वो पर्सन विल ऑल्सो उसका हाथ दबाएगा, पैर दबाएगा, ठीक है, सो दैट शी विल नॉट बी एबल टू मूव। एज ऑफ द विक्टिम इफ रिक्वायर्ड, वैसे डालना ही होता है, इफ विक्टिम इज इंटॉक्सिकेटेड और ड्रग, तो ब्लड का भी अपने को सैंपल लेना है, क्लियर। प्रिकॉशंस टू बी टेकन, नो एग्जामिनेशन विदाउट प्रॉपर रिटन ऑर्डर फ्रॉम द पुलिस ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अगर पुलिस वाले लेके आ रहे तो ठीक है, नहीं भी लेके आ रहे तो अपना काम बनता है अपने को करना, अपने एग्जामिन किया ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव टू इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑल्सो, बिकॉज अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लग सकता है। तो आप वो चाह रही है या नहीं चाह रही है, आपको इन्फॉर्म पुलिस को करना ही पड़ेगा कि मेरे पास एक एक्स वाई ज़ेड ऐसा केस आया है जिसमें रेप का वो लगा रहे हैं, तो पुलिस में से कोई ना कोई पर्सन आता है, जो भी आगे प्रोसीजर होता है केस को फॉलो। आइडेंटिफिकेशन बाय द रिलेटिव, पुलिस आईडी प्रूफ लेने होंगे। फीमेल नर्स शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द एग्जामिनेशन इफ यू आर अ मेल डॉक्टर। एग्जामिनेशन शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल, रीजन जितने भी एविडेंस है वो लूज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्लियर। तो जितना आपके पास जैसे पेशेंट आया यू हैव टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम। प्रीलिमिनरी डेटा जिसमें रेफरेंस ऑफ रिक्विजिशन लेटर जो पुलिस वालों ने दिया, नेम एज सेक्स एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्रॉड बाई कौन था पुलिस वाला, कौन से थाने से, उसका बैज नंबर क्या है पुलिस वाले का, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंशन करना होगा। नेक्स्ट इज कंसेंट, ऑलवेज 12 साल से ऊपर के बच्चे का कंसेंट होता है, 12 से नीचे है देन गार्जियन पेरेंट्स वो ही दे सकते हैं या जो भी उस समय पे उसका सीनियर हो, क्लियर। सीनियर मीन्स फीमेल वाल हॉस्टल में रहती थी, उस टाइम पे पेरेंट्स हो सकते हैं अदर स्टेट में अदर सिटी में रहते हैं, तो कौन देगा, गार्जियन जो कि आप लोग के वार्डन या गार्जियन जो भी। विटनेस रिटर्न और इन्फॉर्म कंसेंट इज रिक्वायर्ड, विटनेस मीन्स द थर्ड पर्सन जो आपने रखी है नसीब का वो होनी चाहिए, उसके भी साइन होंगे, रिटर्न होना चाहिए। एंड इन्फॉर्म, इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स आपने हर एक चीज इन्फॉर्म कर दी है, जो भी उसके प्रोज रहने वाले, जो भी कौन से रहने वाले। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सपोज फीमेल का
डिलीवरी है सपोज, नॉर्मल डिलीवरी है, बट कंसेंट में उसको बताना जरूरी होता है कि हम वी विल ट्राई फॉर, वी विल गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बट इन केस बेबी विल नॉट कम आउट, हेड सरकमफेरेंस ज्यादा हो जाए या डायलेटेशन प्रॉपरली नहीं हो, देन वी कैन गो, वी हैव टू गो फॉर सीजेरियन. तो ये कंसेंट हो गया. तो आपने उसको बता दिया कि भैया ये सिनेरियो है, वी विल गो फॉर नॉर्मल, उसके प्रोज ये है, उसके कौन सी है, सी सेक्शन हुआ तो ये प्रोज है, ये कौन सा है, तो हद भी बता दी, उसमें ब्लड भी देना पड़ सकता है, उसमें आप डेथ भी हो सकती है, हद भी बताना पड़ता है, डेथ भी हो सकती है, बाकी सब चीजें. इन द सेंस ऑफ कंसेंट एग्जामिनेशन के अंदर के अंदर. नेक्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या क्या लेना है, फीमेल की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, के लास्ट पीरियड कब आए थे, एलएमपी, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि नहीं, बिकॉज वो एग्जामिनेशन पे डिपेंड करेगा. फिर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, इफ रिलेवेंट, कि आपने कोई ऑपरेशन वगैरह सर्जरी कुछ तो नहीं करवाई है, रिसेंट वेनेरल डिजीज, हिस्ट्री ऑफ इंसिडेंट, कब हुआ इंसिडेंट, रेजिस्टेंस, भाई बात करते रेजिस्टेंस ऑफर्ड, कि आपने अगेंस्ट अगेंस्ट अक्यूज आपने कुछ रेजिस्टेंस फोर्स अपने को हेल्प करने के लिए यूज किया था क्या, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ आने से पहले या रेप के बाद से अभी तक में आप नहाए हो कि नहीं नहाए हो, बाकी सब चीज़ें, बिकॉज लॉस ऑफ एविडेंस भी हो जाता है. एग्जामिनेशन ऑफ क्लोज, सो कंफर्म दैट दे हैव नॉट बीन चेंज, तो पूछा जाएगा कि आपने चेंज कर दिए कि नहीं. आज द विक्टिम टू रिमूव देम हरसेल्फ ऑन ए बिग वाइट शीट, तो एक बिग वाइट शीट या कपड़ा या चादर लगा दी जाती है, फीमेल को अपने सारे क्लोथ निकालने होते हैं अपने हाथ से, बिकॉज कि आपके हेयर या आपके फॉलिकल भी नहीं जाए, ठीक है. उसके बाद जो यूरिन क्लोथ निकालने के टाइम कुछ हेयर फॉलिकल या जो भी होते हैं उनको भी इकट्ठा करके आगे लैब में भेजा जाता है. एग्जामिन फॉर एनी काइंड ऑफ टीयर, लॉस ऑफ बटन, बिकॉज दैट इज कमिंग अंडर साइंस ऑफ वायलेंस और स्ट्रगल. फीमेल अपने आप हेल्प कर रही थी तो उसके कुछ कपड़े के फाइबर, बिकॉज वो बताएगी कि उसने इस कलर का कपड़ा पहना हुआ था या इस तरह का ये था, तो उसके जो एविडेंस है वो अपने पास आ जाते हैं. लुक फॉर एनी काइंड ऑफ स्टेन, मड, ग्रास, ब्लड और सीमन. मड ग्रास मीन्स फीमेल बता रही है कि मेरा जो रेप हुआ है वो गार्डन में हुआ है, ठीक है, उसमें मड पार्टिकल्स ही नहीं है, ग्रास ही नहीं है, कपड़ों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, तो दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. हो सकता है कि फेक केस भी हुआ. तो ये सब चीजें आप लोग को लिखना है कि वो क्या बता रही है, इंसिडेंट, ये जगह कौन से, साइंस टीम कौन जाएगा, डॉक्टर नहीं जाएगा, प्रिंसिपल ही जाएंगे, तो ये उनका काम है. तो हिस्ट्री क्या दी जा रही है, रियलिटी में क्या है, वो भी मैचअप किया जाता है. ब्लड एंड सीमन, ब्लड अगर इंजरी हुई है तो उसका ब्लड इसके ऊपर, इसका एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो गया, सीमन अगर इजैकुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है. सीमन नहीं भी मिलता है दैट डजंट मीन कि रेप नहीं हुआ है, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, इवन टचिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेप. क्लियर. तो रिकॉर्ड देयर पोजिशन एंड साइज, तो ईच एंड एवरीथिंग हर चीज बतानी है कि कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे इंजरीज है, कहाँ पे ब्लड है, कहाँ पे मड है. सो सील ऑल दीज थिंग्स, लेबल देम. लेबल क्या करना है कि मैं डॉक्टर पंकज या डॉक्टर जो भी आप लोग रहने वाले हो, अपने सिग्नेचर, कौन सी डेट, टाइम हमेशा लिखना है, मेंशन करना है, बिकॉज टाइम इज इम्पोर्टेंट. उसकी हिस्ट्री मैच खा भी रही है कि नहीं, यार सी इज ब्लेमिंग ओनली फेक, एंड स्टैंड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन इन द लेबोरेटरी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपको चला जाता है. लैब में ले जाने का काम पुलिस वालों का होता है, अपना कोई काम नहीं, अपने सील किया और पुलिस वाले को दे दिया. वो मेंशन करना होता है कि मैंने एक्स वाई जेड पुलिस कॉन्स्टेबल, एक्स वाई जेड इंस्पेक्टर या जिसको भी मैंने हैंड ओवर कर दिया, इतने बजे उसको दे दिया, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. जनरल एग्जामिनेशन में ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल, ठीक है, तो जनरल बिल्ड कैसी है, गेट मीन चाल कैसी है, ठीक है, फोर्सफुल होता है, फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स है तो जो वॉक है वो थोड़ा तेज रहता है, इंजरी बहुत ज्यादा हो गई है. मेंटल कंडीशन, इंटॉक्सिकेटेड है, ड्रग है या कुछ और रीजन है. फाइंडिंग फॉर एज, डेंटल एग्जाम करना है अपने को. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मेल में डैमेज किस टाइप का है, फॉरन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो पेन, दैट इज ब्लड, सलाइवा, सीमन, मद एक्सेट्रा, एंड इंजरीज भी प्रेजेंट, तो हर चीज भी आपको मेंशन नीचे यहाँ तक किसी को जाओ. नेक्स्ट लेक्चर, ये पेपर